हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैंडरिन प्रोमिंस। माय नेम इज परनीत सिंह। सो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बिजनेस चाइनीज वोकैबुलरी करेंगे सेंटेंसेस के साथ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सो वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी वीडियो थी लर्न चाइनीज फिनिन प्रोनाउंसिएशन की, जो कि मैंने हिंदी में बनाई थी एंड उसमें मैंने एबीसीडी की प्रोनाउंसिएशन बताई है हिंदी में, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन उस वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स करने के लिए। ओके, सो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी यूजफुल वीडियोस डाल सकूं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो पहला वर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू को चाइनीज में कहते हैं मियांश, मियांश। इसको एक सेंटेंस के साथ समझते हैं, इजी हो जाएगा। वो सान यू फन अर्श सान हाओ जाए इचा चुंको कुंस यो मियांश। वो सान यू फन अर्श सान हाओ जाए इचा चुंको कुंस यो मियांश। इसका मतलब है कि मेरा 23rd ऑफ मार्च को एक चाइनीज कंपनी में इंटरव्यू है। यहाँ पे जो ई चा चुंको कुंस, इट मींस वन चाइनीज कंपनी, यहाँ पे जो चा आ रहा है, चा दैट इज अ मेजर वर्ड। ओके, सो सेकंड वर्ड है टू टेक एडवांटेज ऑफ। टू टेक एडवांटेज ऑफ, इट कैन बी टाइम अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। ओके, सो टू टेक एडवांटेज ऑफ का चाइनीज में मतलब होता है छन, छन, सी एच ई एन, छन। ओके, सो इसको भी सेंटेंस के साथ समझते हैं, इजी हो जाएगा। सो इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। ओके, लेट मी स्टार्ट। फायतंग चिय हो तापु फन द छान फिन तो हुए यो पु सो द चिखो हंतोरन छन चिश्र हो लाए माई शू यो द तुमसी वॉच लियू। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं। फायतंग चिय हो तापु फन द छान फिन तो हुए यो पु सो द चिखो हंतोरन छन चिश हो लाए माय शू यो द तुमसी वॉच लियू। इसको एक एक करके समझाता हूं मैं। सबसे पहले मैंने बोला फायतंग चिये, इट मींस दिवाली। ओके, इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। फायतंग चिये द शु हो, इसका मतलब है ड्यूरिंग दिवाली। ओके, उसके बाद था तापु फन द छानबीन, इसका मतलब है ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे। तापु फन का मतलब होता है ग्रेटर पार्ट एंड छानबीन मींस प्रोडक्ट्स। उसके बाद था तो हुए यो पूछो द चखो, मतलब उन पे जो डिस्काउंट होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ओके, पूछो मींस नॉट बैड एंड चखो इन चाइनीज मींस डिस्काउंट्स। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में लिखा था इसके बाद हंतोरन मींस मेनी पीपल, छन यही वर्ड था जो समझाना था, टेक एडवांटेज ऑफ छन चो, इसका मतलब है मेनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, इस वक्त का फायदा उठाते हैं। मतलब ये जो दिवाली का जो टाइम होता है उस वक्त का फायदा उठाते हैं। क्यों? इस के वक्त मतलब दिवाली के टाइम जब आप शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं उस वक्त। ओके, सो उसके बाद लिखा था हंतोरन छन चो लाए माय शू या उधर तुमसी वॉच यू, मतलब इस टाइम लोग जो उनको चीजें चाहिए होती हैं वो खरीदने आते हैं या फिर गिफ्ट्स खरीदने आते हैं। तुमसी मतलब थिंग्स एंड लियू मींस गिफ्ट्स। ओके, सो आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, दैट इज छन, उसकी यूसेज। ओके, छन छो। ओके, सो दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। ओके, द थर्ड वर्ड इज तिंतान। तिंतान, तिंतान का मतलब होता है ऑर्डर्स। आपने कभी चाइना में ऑर्डर करना है, किसी और को ऑर्डर करना है, सो आप तिंतान का वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, इसको प्रॉपरली एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, इजी हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। नोएता द खऊ, नोएता द खऊ कनवा ईचिंग शोलर था चचौ इने होइशा लान्या अर्ची द तिंतान। एक बार दोबारा पढ़ता हूं मैं। नोएता द खऊ कनवा ईचिंग शोलर था चचौ इने होइशा लान्या अर्ची द तिंतान। इसका मतलब है, देखे करके समझाता हूं मैं आपको। पहले मैंने बोला नोएता द खऊ, नोएता का मतलब होता है नोएडा, जो डेली एनसीआर में पड़ता है नोएडा, दैट इज नोएता। ओके, उसके बाद था खऊ, खऊ मींस क्लाइंट कस्टमर। ओके, सो नोएता द खऊ मींस नोएडा वाला क्लाइंट, या कैसे नोएडा का क्लाइंट जो है। कन वो इचिंग शोला मींस उसने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है, या आपकी जैसे ऑलरेडी बात हो गई है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, था कन वो इचिंग शोला, उसने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, उसके बाद लिखा था च चौ इने, पहले समझते हैं ये च चौ का क्या मतलब है। च चौ का मतलब होता है दिस वीक, जैसे
लास्ट वीक होता है शांचौ, नेक्स्ट वीक होता है श्याचौ, ओके वैसे दिस वीक होता है चौचौ। आप इधर सिंची भी लगा सकते थे ओके, बट चौचौ थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड है ओके, थोड़ा बेटर लगता है यूज करने में चौचौ ओके। उसके बाद लिखा था इने, इने का मतलब होता है विद इन, सो चौचौ इने मीन्स विद इन दिस वीक ओके। इने आप नए भी लगा सकते हो, चाइनीज कभी कभी नए भी यूज करते हैं, वो कभी कभी ई नहीं बोलते, जैसे पूरा वर्ड तो यही है इने, लेकिन चाइनीज लोग कभी कभी नए भी यूज करते हैं चौचौ नए, सो इस बात का ध्यान रखना ओके। सो उसके बाद लिखा था चौचौ इने हुए श्या लान्या अर्ची, सो लान्या का मतलब होता है ब्लूटूथ, ये अर्ची मीन्स नॉर्मल ईयरफोन्स ओके। श्या लान्या अर्ची द तिंगतांग, तिंगतांग का मतलब ऑर्डर्स। सो ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स का जो ऑर्डर है वो इस वीक के अंदर अंदर वो डाल देगा ओके। सो वैसे श्या तिंगतांग का एक प्रॉपर वर्ड है, ये पूरा वर्ड श्या तिंगतांग का मतलब होता है टू प्लेस एनी ऑर्डर ओके। अगर आपको इसको ऐसे यूज कर सकते हो जैसे कि वोमिंगथेन वे श्या तिंगतांग या वोमिंगथेन श्या तिंगतांग, मींस मैं कल ऑर्डर प्लेस करूंगा, सो टुमारो आई विल प्लेस ऑर्डर, पूरा प्लेस एंड ऑर्डर अगर आपने यूज करना है तो आप श्या तिंगतांग लगा सकते हो। लेकिन इसमें मेरे वाले सेंटेंस में इसमें बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा था, मतलब इसमें वो कमोडिटी बीच में आ रही थी वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स, तो इसलिए पहले मैंने श्या लगाया, फिर बीच में वो चीज लगाई लाने आ रही थी, देन मैंने बाद में लगा दिया तिंगतांग ओके। सो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। सो इजी सेंटेंस था कि नोएडा वाले क्लाइंट ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि वो इस वीक के अंदर अंदर या ओके सो इस वीक के अंदर अंदर वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स का ऑर्डर प्लेस कर देगा ओके। सो द फोर्थ वर्ड इज टू रिपेयर समथिंग और टू फिक्स समथिंग, इसको चाइनीज में कहते हैं शोली शोली। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला वो कांग माय द शिन सोची छंग छंग ज तुम क्वांची शोली ल ची स तो शो कु हो। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं वो कांग माय द शिन सोची छांग छांग ज तुम क्वांची शोली ल ची स तो शो कु हो। इसको एक एक करके समझाता हूं, इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला वो कांग माय द शिन सोची, इसका मतलब है जो नया फोन अभी मैंने खरीदा है, जो अभी मैंने नया फोन खरीदा है ओके। उसके बाद लिखा था छांग छांग मींस ऑफन ज तुम क्वांची, ज तुम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली ओके, एंड क्वांची मींस पावर ऑफ। अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हो आप लगा सकते हो शटडाउन, लेकिन यहाँ पे फोन के बारे में बात हो रही है तो बेटर यूज द वर्ड पावर ऑफ ओके। मतलब जो अभी अभी मैंने नया फोन खरीदा है वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो पावर है बंद हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है ओके। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा था शो लीला चीज सर मीन्स वो कई बार रिपेयर करवा दिया है या कई बार वो रिपेयर हो चुका है, चीज का मतलब होता है फ्यू टाइम्स ओके। उसके बाद लिखा था तो शो कु हाओ, मतलब फिर भी वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है ओके, या फिर भी वो खराब का खराब ही फिर भी वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है काफी टाइम रिपेयर करने के बाद भी ओके। सो आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बात का ध्यान रखना, ये जो वर्ड है रिपेयर, जब ये चाइनीज लोग बोलते हैं सो वो शोली की जगह शो वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे चाइनीज ने बोला नगा थिए प्याओची शो हॉल में हो, थिए प्याओची का मतलब होता है लेबलिंग मशीन ओके। मशीन का पूरा वर्ड होता है चीची और वो इसमें भी वो ची ही वर्ड यूज करते हैं ओके, वो ची ही ज्यादातर यूज होता है मशीन के लिए, ये बात का ध्यान रखना। तो थिए प्याओची मतलब होता है लेबलिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला नगा थिए प्याओची शो हॉल में हो, मतलब वो जो लेबलिंग मशीन है वो रिपेयर हो गई या नहीं हुई ओके। सो अगर हो गई है तो आप बोलोगे इचिंग शो हॉल, और अगर नहीं हुई तो बोलोगे आप हाई में शो हॉल ओके। सो ये बात का ध्यान रखना, शो वर्ड भी यूज होता है शोली की जगह ओके। फिफ्थ वर्ड है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ को चाइनीज में कहते हैं फांग शुए, फांग शुए। फॉर एग्जाम्पल वो दर्ज माइल इग फांग शुए शो प्याओ, वो दर्ज माइल इग फांग शुए शो प्याओ। इसका मतलब है मेरे नेफ्यू ने एक वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच खरीदी है ओके। फांग शुए मीन्स वाटरप्रूफ एंड शो प्याओ मीन्स रिस्ट वॉच ओके। सो इधर रिस्ट वॉच की जगह ये तो शो प्याओ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इधर शोची भी लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फांग शुए शोची, फांग शुए शोची इसका मतलब है वाटरप्रूफ फोन या मोबाइल फोन ओके। सो इधर आप कुछ भी लगा सकते हो वाटरप्रूफ के आगे। एंड वन मोर थिंग, जैसे वाटरप्रूफ होता है फांग शुए, वैसे ही फायरप्रूफ होता है फांग वो। फांग सेम ही रहेगा, वो मतलब होता है फायर ओके। सो फांग शुए का मतलब हो गया वाटरप्रूफ,
एंड फ्रॉम हो का मतलब हो गया फायर प्रूफ। ओके, तो अब इसके बाद जो हम वोकैबुलरी करेंगे वो विदाउट सेंटेंसेस होगी, एंड अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या करोगे इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में, देन ये वोकैबुलरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आपने मे बी एक वर्ड पढ़ा होगा लिफ्ट के लिए, दैट इज तियांथी, तियांथी। ओके, वैसे इसके साथ एक और वर्ड होता है वो थी, हो थी, हो थी का मतलब होता है गुड्स एलिवेटर या गुड्स लिफ्ट, या फिर आप कह सकते हो फ्रेट एलिवेटर। ओके, इसका मतलब होता है जिसमें माल आता जाता है उसको हम हो थी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हो है वो गुड्स वाला ही हो है। और इसके अलावा एक और होता है दैट इज खी, खी, खी का मतलब होता है पैसेंजर एलिवेटर, पैसेंजर लिफ्ट। ओके, जिसमें सारे पैसेंजर्स आते जाते हैं, या आप कह सकते हो विजिटर्स, गेस्ट, वही वाला ख है ये। ओके, सो एक था तियांथी, सेकंड वन इज हो थी, एंड थर्ड वन इज खी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को चाइनीज में कहते हैं युआन लियाओ, युआन लियाओ। जैसे मटेरियल सिर्फ होता है साइल्याओ, कोई भी मटेरियल सारा जो होता है वो होता है साइल्याओ। ओके, वैसे ही रॉ मटेरियल होता है युआन लियाओ, युआन लियाओ। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस सेंटर, कस्टमर सर्विस सेंटर, दैट इज खफू चुंगशिन, खफू चुंगशिन। खफू मीन्स कस्टमर सर्विस एंड चुंगशिन मीन्स एनी सेंटर, सो दैट इज खफू चुंगशिन। तो नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट। इसको चाइनीज में कहते हैं खाओ छिन प्याओ, खाओ छिन प्याओ, खाओ छिन प्याओ। फॉर एग्जाम्पल वो सान्य फन द खाओ छिन प्याओ ईचिंग फा के नीला, वो सान्य फन द खाओ छिन प्याओ ईचिंग फा के नीला। इसका मतलब है जो मार्च मंथ की अटेंडेंस शीट है वो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी, ईचिंग मीन्स ऑलरेडी, फा के नीला, आई ऑलरेडी सेंट यू। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज मिसेलेनियस आइटम्स, मिसेलेनियस आइटम्स को चाइनीज में कहते हैं साश्याम, साश्याम, साश्याम। ओके, नेक्स्ट इज एमओएम, एमओएम का मतलब होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसको चाइनीज में कहते हैं होई चीलू, होई चीलू, या आप कह सकते होई चियाओ, बोथ आर ग्रेट, होई चीलू भी कह सकते हो और होई चियाओ भी कह सकते हो। ओके, सो नाउ लास्ट वर्ब इज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को चाइनीज में कहते हैं वायमाओ, वायमाओ, और इसी का ऑपोजिट होता है नेमाओ, नेमाओ, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक ट्रेड। ओके, सो फॉरेन ट्रेड हो गई वायमाओ एंड डोमेस्टिक ट्रेड हो गई नेमाओ। ओके गाइस, सो आई होप ये सब वोकैबुलरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड फॉर मोर स्टफ लाइक वोकैबुलरी एंड वीडियोस रिलेटेड टू चाइनीज लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ देर आर एनी स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज दे कैन कॉन्टैक्ट मी एज आई हैव ऑलरेडी अगेन स्टार्टेड टीचिंग चाइनीज लैंग्वेज ऑनलाइन। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैंडरिन प्रोविंस।